इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं थर्ड लेसन, जो क्लास नाइन्थ का जो नया सिलेबस आया है उसका थर्ड लेसन सप्लीमेंट्री सेक्शन का, मूवमेंट बुक का सप्लीमेंट्री सेक्शन जिसे बोलते हैं, या मूवमेंट को ही सप्लीमेंट्री आप कह सकते हो, उसका थर्ड लेसन का पार्ट वन देखने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम है ईश्वर द स्टोरी टेलर, इसको लिखा है आर के लक्ष्मण ने। और हम बात करें इस वीडियो के, तो उससे पहले अगर आपको इससे पहले के वीडियोस के भी लिंक चाहिए, तो लेसन वन लेसन टू सप्लीमेंट्री का, तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। साथ में अगर आपको प्रोज या पोइट्री वाला चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ देना, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर हम चलेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन पे। जो हिंदी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे द स्टोरी से लेकर न्यू वर्क प्लेस तक। क्लियर हो गया? हम पढ़ने जा रहे हैं इसका वर्ड मीनिंग, फिर हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे इस वर्ड मीनिंग के समझने के बाद, क्योंकि ऐसे कई सारे वर्ड मीनिंग आते हैं जिसका हो सकता है आपको मीनिंग ना आता हो। जैसे नरेटेड मतलब होता है बयान करना या बताना या बताया। जूनियर मतलब पद में कोई छोटा होता है उसको हम बोलते हैं जूनियर। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर मतलब जांच करने वाला, जो ऊपर हो। जैसे होता है ना कि हम सुपरवाइजर हैं, यानी कि हम लेबर लोग को या और नॉर्मल लोग को हम सुपरवाइज करते हैं, जज करते हैं, उन पर कंट्रोल करते हैं बोल सकते हो। ऑफर्ड मतलब प्रस्तुत किया या सिंपल प्रस्तुत। वेरियस मतलब विभिन्न अलग अलग प्रकार के। कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माण स्थल, फैक्ट्रीज कारखाना इसे कहते हैं, ढेर सारे कारखानाओं को हम फैक्ट्रीज कह सकते हैं। ब्रिज पता है पुल। एक्टिविटीज़ यानी क्रियाएँ। मूविंग मतलब होता है गतिमान, कोई चीज़ जो होता है वो क्या होता है, गतिमान होता है, वो गति में रहता है। कोल माइनिंग यानी कोयला खनन। केमिकल प्लांट जिसे हम रासायनिक कारखाना कहते हैं। बैचलर यानी कि कुवारा। प्लांट देखो, प्लांट मतलब नॉर्मली पेड़ नहीं होता है, प्लांट मतलब क्या होता है, कारखाना भी। हम कारखाने को फैक्ट्री के अलावा प्लांट भी कह सकते हैं। बैचलर यानी कुवारा। अच्छा, कुवारे को बैचलर कहते हैं, कुवारी को क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं कितने लोग बता देते हो कि कुवारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इल इक्विपेड मतलब बीमार, और इक्विपेड मैंने नहीं लिखा है, इक्विपेड बता दे रहे हैं। इक्विपेड मतलब होता है कोई चीज़ जो आपके अंदर कंट्रोल में हो, ठीक है। या बीमार इक्विपेड मतलब बीमार सामान को भी हम, या ख़राब सामान को भी इल इक्विपेड कह सकते हैं। इक्विपेड का मीनिंग मैं लिखना भूल गया था, इक्विपेड का मीनिंग बता दे रहा हूँ, वो सामान को हम कह सकते हैं इक्विपेड। अब देखते हैं मेकशिफ्ट यानी सजाया गया यानी बनाया गया। मेकशिफ्ट बोलते हैं ना, मेकशिफ्ट दिस प्लान, इस प्लान को मेकशिफ्ट करो यानी इसको बनाओ, इसको बढ़िया से बनाओ, सजाओ इसको। क्वेर मतलब होता है शिकार। एसेट मतलब संपत्ति। क्वाइट अटैच्ड, क्वाइट अटैच्ड मतलब होता है काफ़ी जुड़ा हुआ, क्वाइट मतलब काफ़ी, अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ है। अनकम्प्लेनली यानी अड़िगता, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप अपनी बात रख के बता रहे कि भाई हम ये तो करेंगे, तो अड़िगता। वॉश मतलब धोया। एंडलेस मतलब अनंत। एनेक्डोट छोटी छोटी कहानियाँ, जो पुरानी कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, उनको हम एनेक्डोट कहते हैं, एक पुरानी कहानियों को। अमेजिंग, अमेजिंग मतलब गजब, गजब बोलते हैं, गजब का मैच हो गया। कैपेसिटी यानी क्षमता। प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, ये तो आपको पता ही है। और इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री, जैसे बोलते हैं ना कि भाई खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगते हैं, कौन कौन सामान लगते हैं, तो उनको हम सामग्री कह सकते हो। तो ये सब ऐसे वर्ड अभी जो हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उन पैराग्राफ में आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर या अबाउट द राइटर पढ़ेंगे, फिर अबाउट द स्टोरी पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर बुक है तो बुक खोल लीजिएगा काफ़ी, तभी आपको ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है दोस्तों तीसरा लेसन सप्लीमेंट्री का क्लास नाइन्थ का, ईश्वरान द स्टोरी टेलर। ईश्वरान नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कहानी बताता रहता है, इसको आर के लक्ष्मण ने लिखा है। अब देखिए लिखा अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम था रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण, ठीक। पॉपुलरली नोन एज मतलब विश्व प्रख्यात बोल सकते हैं, या मुख्यतः से इनको जाना जाता था आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण की कहानी आप लोग पढ़ते हो, इवन आप लोग उसके टेलीविज़न पे देखते थे। अगर आप अपने पापा से या अपने आपसे कोई बड़ा हो, जो तकरीबन 10-15 साल बड़ा हो,
उनसे अगर आप पूछोगे आर के लक्ष्मण की कहानियाँ आप दूरदर्शन चैनल पर देखते थे, तो बताएंगे हाँ आर के लक्ष्मण की पहले बहुत सारी कहानियाँ आती थी कार्टून में। ठीक, तो वही लिखा आर के लक्ष्मण, नोन एज आर के लक्ष्मण वॉज एन इंडियन कार्टूनिस्ट। ये इंडियन कार्टूनिस्ट थे, यानी ये कार्टून बनाते थे। इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर मतलब एक ये इलस्ट्रेट करते थे, ये किसी चीज़ को कार्टून के रूप में बनाकर कहानी बनाते थे। एंड ह्यूमरिस्ट, और ये मजाक मजाक चीज़ लिखने में था, ये व्यंग लिखने में, ह्यूमरिस्ट मतलब था व्यंग। ठीक, लिखने वाले राइटर थे। लक्ष्मण वॉज बॉर्न ऑन 24 अक्टूबर 1921 इन मैसूर। मैसूर में इनका जन्म 1921 में हुआ था, अक्टूबर में 24 तारीख को। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ पार्ट टाइम कार्टूनिस्ट। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ पार्ट टाइम, मतलब कि भाई रेगुलर नहीं लेकिन पार्ट टाइम कार्टूनिस्ट के रूप में वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। हिज कॉमन मैन कैरेक्टर गेव हिम ग्रेट फेम। जो वो कॉमन मैन, जो सामान्य लोगों का जो करेक्टर होता है, जैसे वो जो अपनी कहानियों में कभी मान लो कि दूध वाले कहानी दिखा देते थे, कभी कहानी दिखा दे रहे हैं कि क्या कहते हैं कि कोई आम घर में कैसे लोग रहते हैं, ठीक, आम बाजार में कैसे लोग रहते हैं, उसके रिलेटेड कहानी, तो आम लोगों से रिलेटेड वो कहानी वो लिखते थे, और इसी कारण इनको फेम मिला, इनको प्रसिद्धि मिली। लक्ष्मण वॉन पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, जो सेकेंडरी अवार्ड बोला जाता है वो भी इनको मिला। एंड रमन मैग्नेसे, देखियो रमन मैग्नेसे ये जो अवार्ड होता है, ये अवार्ड आपको बता दूं मैं, ये अवार्ड इंटरनेशनली लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को दिया जाता है जो अच्छे काम करते हैं, तो रमन, इसको रमन बोलते हैं, रमन मैग्नेसे अवार्ड भी इनको मिला था। ही डाइड ऑन 26 जनवरी, इनकी मृत्यु 2015 में हुई थी 26 जनवरी को एट पुणे में, एट द एज ऑफ 93 के उम्र पर। ठीक, तो ये बहुत एक अगर ध्यान समझे तो ये कार्टूनिस्ट थे, ये कहानियाँ लिखते थे, ये व्यंग लिखते थे, पार्ट टाइम कार्टूनिस्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। इनका जो नॉर्मल आम लोगों की तरह जो ये करेक्टर अपने गढ़ते थे उस कहानियों में, इससे इनको प्रसिद्धि मिली थी। इसका मतलब ये जो कहानी होगी वो आम जनता जैसे होगी, आम लोगों वाली कहानी। ठीक, अब अबाउट द स्टोरी पढ़ते हैं। लिखा है द स्टोरी इज नरेटेड टू गणेश बाय महेंद्रा। ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी गणेश को महेंद्रा द्वारा बताई गई है। गणेश को किसके द्वारा बताई गई है? महेंद्र, ध्यान सुनिएगा, गणेश को महेंद्रा ने ये कहानी बताई है। महेंद्रा वॉज अ सुपरवाइजर इन अ फॉर्म, एक फॉर्म में, एक फैक्ट्री है या कुछ भी है यहाँ पे काम होता है, वहाँ पर महेंद्रा जो है वो सुपरवाइजर है, इसको महेंद्र भी कह सकते हैं। ड्यू टू हिज वर्क ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अपने काम के कारण उसे जगह से जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको बार बार रहना पड़ता था, जाना पड़ता था। ईश्वरान वॉज हिज कुक, ईश्वरान जो था उसका कुक था, हु बिसाइड्स कुकिंग, जो कुकिंग के अलावा डज अदर जॉब फॉर हिज मास्टर, वो और भी काम करता था अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए, यानी कि जो मालिक कौन था, महेंद्र, तो महेंद्र के लिए या महेंद्र के लिए बोल सकते हैं। ईश्वरान और भी काफ़ी काम करता था कुकिंग के अलावा। ईश्वरान इज फाउंड ऑफ रीडिंग थ्रिलिंग स्टोरीज, ईश्वरान जो है वो फाउंड ऑफ है, शौकीन है थ्रिलिंग स्टोरी, बहुत ही थ्रिलिंग यानी बहुत ही रोचक कहानियाँ पढ़ने में वो शौकीन है। एंड ही हिमसेल्फ कुड व्यू अ स्टोरी, वो खुद भी स्टोरी बुन सकता था, व्यू मतलब था बुनना, तो खुद भी स्टोरी बुनता था, यानी वो खुद भी स्टोरी बनाता था। कौन? ईश्वरानंद की बात हो रही है। ही टोल्ड हिज स्टोरीज टू महेंद्रा, वो अपनी कहानियाँ महेंद्रा को बताता था। हिज स्टोरी इज़ इनक्रेडिबल, जो उसकी कहानियाँ होती थी बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत आश्चर्यचकित होती थी, बहुत ही अच्छी होती थी बोल सकते हैं। थॉट दे वर इंटरेस्टिंग, है ना, और यद्यपि वो बहुत इंटरेस्टिंग होते थे, एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, और उसमें जो मतलब जागरूकता भी होती, जागरूकता नहीं कह सकते हैं, जो गुस्सा बोलते हैं ना कि भाई इसमें उत्सुकता आ जाती है, क्यूरियोसिटी आ जाती है, ठीक, वो लाता था अपने कहानियों में, जैसे कि भाई अब क्या होगा, कहानी में अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसी चीज़ें वो जब कहानी लिखता था या कहानी बताता था तो ऐसी चीज़ें आती थी, क्यूरियोसिटी आने लगती थी। ठीक, ही टोल्ड महेंद्रा अबाउट अ मैड एलिफेंट, उसने इस जो ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वह महेंद्रा को एक पागल हाथी कहानी बताता है। एंड हाउ ही कंट्रोल इट, और कैसे उसने उसको कंट्रोल किया ये बताता है। ही ऑल्सो टोल्ड हिम अ हॉरर स्टोरी,
उसने उसको अर्थात ईश्वरान ने महेंद्रा को हॉरर स्टोरी यानी कि भयावह स्टोरी बताई, कहानी बताई, विच बैडली फ्राइटेंड महेंद्रा, जो महेंद्रा को बहुत बुरी तरीके से डरा दिया। फ्राइटेंड मतलब डराना, तो बहुत तरीके से डरा दिया महेंद्रा को। ठीक, अब बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। एक रात महेंद्रा वोक अप उठता है फ्रॉम हिज स्लीप अपने नींद से एंड सॉ, देखता है अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, मतलब एक घना बादल देखता है। ही ब्रोक आउट इंटू अ कोल्ड स्वीट, और वो टूट जाता है बहुत ही ठंडे स्वीट में। वॉज इट अ घोस्ट, क्या वो भूत था, ये वो सोचता है। कौन सोचता है, महेंद्रा। ठीक, पहले वो घना बादल देखता है, फिर वो देखता है कि वो टूट जाता है एक ठंडे स्वीट, मतलब मीठा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नॉर्मली स्वीट मतलब मीठा होता है। फिर वो बोलता है क्या वो भूत था, ऐसे वो सोचता है। ठीक, और ये कहानी आगे इस तरह बढ़ती है। ये कौन है, आर के लक्ष्मण है। चलते हैं आगे पढ़ते हैं। लिखा था टेक्स्ट, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, मुझे पता है इसमें कई सारे वर्ड आपको धुंधले दिख रहे होंगे, तो पहले आप अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लीजिए, फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ बुक के साथ पढ़िए, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लिखा है द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश, ये स्टोरी नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन, ठीक, महेंद्रा बाई नेम। ठीक, तो रुकी जरा, तो सॉरी गलती हो गई, हाँ सही था। ये स्टोरी गणेश को बताई जाती है बाय अ यंग मैन, एक युवा लड़की के द्वारा, जिसका नाम क्या था, महेंद्र था। ही वॉज जूनियर सुपरवाइजर, वह सुपरवाइजर था यानी कि वो संचालन करता था, मान लो कहीं पे काम लगा है तो वहाँ पे वो जो लेबर लोग होते हैं उनको संचालन करता था, लेकिन जूनियर यानी कि उससे ऊपर भी कोई एक और सुपरवाइजर था, तो वो जूनियर सुपरवाइजर था इन अ फॉर्म। फॉर्म मतलब फैक्ट्री, मान लो फैक्ट्री में वो एक सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर मतलब होता है जो लेबर्स को या उनसे थोड़े जो ऊपर होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको देखता है। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर, जो ऑफर हुआ था, जिसको मतलब कि ऑफर मतलब यहाँ मतलब है जिसको मौका मिला था सुपरवाइजर बनने के लिए, एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, अलग अलग तरीके के जहाँ पे काम होते हैं, बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन शायद लिखा है ना, तो उसका मतलब होता है जहाँ पे बिल्डिंग बनती, तो बिल्डिंग जहाँ बनती थी, फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम एंड सो ऑन, ब्रिज, फैक्ट्री या डैम, कहीं जहाँ कहीं भी उसकी कंपनी को मिलता था, ऑर्डर मिलता था, वहाँ वो जाकर वहाँ वो सुपरवाइज करता था एज अ जूनियर सुपरवाइजर। ठीक, महेंद्रास जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट, महेंद्राज का जो काम था वो क्या था, वो देखना था काम का जो वहाँ पर हो रहा था। ठीक, वहाँ जो भी काम होता था उसको वो देखता था और उसको जज करके अपने ऊपर वाले सीनियर को भेजता था, भाई देखो आज इतना काम हुआ है, ऐसे काम हुआ है, इतना खर्चा हुआ है, ये हुआ है, वो बताता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसे प्लेस टू प्लेस मतलब अलग अलग जगह पे उसे मूव करना होता था, उसे हमेशा चलना जाना होता था। मान लो कि दिल्ली में उसको कंपनी को ऑर्डर मिल गया पुल का, फिर उसके बाद दिल्ली से काम हुआ तो फिर उसको जाना पड़ा इंदौर में उसको उसकी कंपनी को काम मिल गया बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग में चला गया तो इंदौर चला गया। अब बिल्डिंग बनाने में 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगता ही है, तो वहाँ रहेगा। पुल बनाने में 2-3 महीने लगते हैं अगर आप ठीक से पुल बनाओ, और लंबा पुल बनाओ ज़्यादा लगता है, तो आप वहाँ आसपास कहीं रहते हो। तो इसलिए लिखा है कि ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसलिए उसे जगह मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एवरी नाउ, हमेशा, नाउ एंड देन मतलब होता है हमेशा, एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस, जो उसके हेड ऑफिस, जो उसका मुख्य ऑफिस होता था उसके कंपनी का, वहाँ से जो ऑर्डर आता था उसके हिसाब से उसको अलग अलग जगह पे मूव करना होता था। लिखा फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज, चाहे वो कोल माइनिंग एरिया मतलब कोल माइनिंग जहाँ से कोयला निकल जाता है वो का वहाँ वाला एरिया हो, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना हो, या रेलवे ब्रिज के पास कंस्ट्रक्शन करना हो। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ टू अ केमिकल प्लांट, उसके बाद उसे फिर कहीं जाना हो, मान लो कहीं केमिकल प्लांट का पे जाना हो, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कभी भी आ सकता है, ठीक है, या आ सकता था। अब देखो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लिखा है यह कहानी महेंद्र नाम के एक नव युवक द्वारा
गणेश को सुनाए गए थे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसलिए आपको अच्छा नहीं दिख रहा है प्रिंटर, बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ आप जाकर जरूर बुक खोल लें, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप मुझसे पूछोगे कि सर पिक्चर क्लीन नहीं आ रहा, तो पिक्चर इसलिए क्लीन नहीं आ रहा क्योंकि बुक का पिक्चर अच्छा नहीं था, बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ठीक, तो आप बुक जरूर ले लें, फिर इसको समझे ज़्यादा अच्छे तरीके समझ में आएगा। लिखा है, यह कहानी महेंद्र नाम के एक नव युवक द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। वह एक व्यापारिक संगठन जो विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों जैसे फैक्ट्रियों हो गया, पुलों हो गया, बांधों वगैरह को निरीक्षण उपलब्ध कराता था। मैं कठिन निरीक्षक था। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा यानी जूनियर। महेंद्र का कार्यस्थल की गतिविधियों पर दृष्टि रखना था। उसे बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना पड़ता था, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए उसके प्रधान कार्यालय द्वारा आदेशित होता था, कोयला खदान क्षेत्र से रेलवे पुल निर्माण स्थल तक, वहाँ से कुछ महीनों बाद एक रासायनिक संयंत्र तक, नया रासायनिक संयंत्र मतलब रासायनिक फैक्ट्री बोल सकते हैं जो कहीं लगाया जा रहा था, वहाँ उसको जाना था। ठीक, अब चलते हैं आगे। ये थोड़ा ये सेकेंड पैराग्राफ आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा कंपेयर टू फर्स्ट पैराग्राफ। लिखा, ही वॉज द बैचलर, वह बैचलर था यानी कि वो कुंवारा था। कौन? महेंद्रा। हिज नीड्स वर वेरी सिंपल, जो उसकी जरूरतें थी बहुत ही सामान्य थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, और वो अपने आप को एडजस्ट यानी अपने आप को वो उस ढाल रखता था, ढाल लेता था परिस्थिति के अनुसार। टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन, जैसे भी कंडीशन होता था उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विपेड सर्किट, चाहे वो सर्किट हाउस, चाहे सर्किट हाउस मतलब होता है रहने का स्थान। ठीक, सर्किट हाउस से मतलब होता है अगर आप कहीं पे मेहमान हो तो आपको अलग से जो हाउस दिया जाता है रहने के लिए, या जिन अलग से रूम दिया जाता है कि भाई आप यहाँ कुछ समय के लिए रहो, तो वहाँ वही लिखा, वेदर इट वॉज एन इल इक्विपेड सर्किट हाउस, चाहे वो कोई इल इक्विपेड मतलब कि हो सकता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ ठीक ठाक सामान ना हो। इल मतलब होता है बीमार और इक्विपेड मतलब होता है सामान, इन दोनों को मिला दो अर्थात इसका मतलब ये है, इल इक्विपेड मतलब जहाँ पर ठीक ठाक सामान ना हो, वैसे सर्किट हाउस में भी वो अपने आप को वो मेक शिफ्ट कर लेता था, अपने आप को बना लेता था। और मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, ठीक, चाहे वो एकदम बीच में मतलब कहीं पर काम चला हो, उसको कहीं पे खोदा गया, स्टोन क्वेरी मतलब कहीं पे मान लो पत्थर का कहीं पे कुछ खोदा हुआ जगह है, वहाँ पर टेंट बना हुआ, वहाँ उसको रहना पड़ रहा है, तो वो वहाँ भी रह लेता था। और वो कोई ख़राब सर्किट हाउस है वहाँ भी वो रह लेता था, अपने आप को सह लेता था। ऑड कंडीशन मतलब होता है अलग अलग परिस्थितियों में, ठीक, या बोल सकते कठिन परिस्थितियों में। तीसरी लाइन लिखा हुआ, बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, पर एक जो उसकी संपत्ति थी उसके पास वो था उसका कुक, इसका नाम था ईश्वरन। ठीक, फिर समझते हैं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ही वॉज अ बैचलर, वह कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी जो जरूरतें थी वो बहुत ही सामान्य थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन, वो अपने आप को एडजस्ट अपने आप को वो संभाल लेता था हर एक अलग अलग परिस्थितियों में। वेदर इट वॉज एन इल इक्विपेड सर्किट हाउस, चाहे वो कोई खराब स्थिति वाला सर्किट हाउस हो यानी रहने वाला घर हो, या और अ मेकशिफ्ट कैनवास या बनाया हुआ कैनवास टेंट हो, कैनवास टेंट मतलब टेंट बनाया हुआ हो, इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, पत्थर से घिरा हुआ कोई जगह है मान लो और वहाँ पर टेंट लगाया, तो वहाँ भी वो अपने आप को सेटल कर लेता था, अपने आप को वो मतलब कि एडजस्ट कर लेता था। लिखा, बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, पर उसके पास एक संपत्ति थी वो था ईश्वरन नाम का उसका कुक। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा, जो कुक था वो काफ़ी हद तक महिंद्रा से जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेंगली, और उसको फॉलो करता था बिना किसी शिकायत के यानी अड़िग रूप से निरंतर उसको फॉलो करता था बिना किसी शिकायत के। वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी मतलब जहाँ भी उसकी नियुक्ति होती थी वहाँ वो बिना किसी कंप्लेन के वो उसके साथ रहता था। ही कुक्ड फॉर महिंद्रा, वो महिंद्रा के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ, महिंद्रा के कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और वो चैटेड अवे मतलब वो बातें किया करता था
विथ हिज मास्टर एट नाइट, अपने मालिक के साथ रात को। तो रात को अपने मालिक के साथ वो बातें करता था और उसके कपड़े और खाना पकाता था और कपड़े धोता था। ठीक, ही कुड व्यू आउट एंडलेस स्टोरीज, वो बना सकता था, एंडलेस मतलब अनंत कहानियाँ, मतलब जो ईश्वरा ने वो अनंत कहानियाँ बना सकता था, बुन सकते, देखो बुनना बोलते हैं ना, कहानी बुनना अर्थात कहानी बनाना। एन एनेक्डोट ऑन वेरिड सब्जेक्ट, वेरिड सब मतलब विभिन्न सब्जेक्ट पर अर्थात विभिन्न विषयों पर, सब्जेक्ट मतलब विषय होता है ना, तो विभिन्न विषयों पर वो कहानियाँ और एनेक्डोट मतलब तो छोटी कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ, तो पुरानी छोटी कहानियाँ भी वो बना सकता था और वो खुद अपनी कहानी खुद से बना सकता था, काल्पनिक कहानी भी वो बना सकता था। हिंदी अनुवाद देखते हैं, वह अविवाहित था, अर्थात जो महेंद्र था वो अविवाहित था, महेंद्र, उसकी आवश्यकताएं साधारण थी और अपने आप को सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों से समायोजित करने में समर्थ था, चाहे वो असज्जित थी, मैंने कहा था ना इलिक्विपेट मतलब वही होता है, असज्जित विश्राम भवन हो या पत्थरों से खुली खदान के बीच काम चलाऊ तीरपाल का तंबू हो, लेकिन एक संपत्ति उसके पास थी, उसका रसोइया ईश्वरन। रसोइयों को महेंद्र से बहुत लगाव था और वो उसके साथ बिना शिकायत के जहाँ कहीं भी उसकी नियुक्ति होती थी उसके साथ जाता था। वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को अपने मालिक के साथ गप्पे हाँकता था। वह विभिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियाँ व उपख्यान मतलब होता है वही एनेक्डोट गढ़ लिया करता था। लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो का। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट। ईश्वरन जो था वो उसके अंदर एक और बहुत ही अच्छी, बहुत ही गजब की उसके अंदर कैपेसिटी, क्षमता थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल, कि वो वेजिटेबल मतलब होता है सब्जियां और कुकिंग इंग्रेडिएंट मतलब पकाने के लिए जो सामग्री चाहिए होती है वो उसको प्रोड्यूस कर लेता था, कैसे भी कहीं ना कहीं कर वो उसकी प्रोड्यूसिंग यानी उसकी उपजाऊ कर लेता था, उसको उगा लेता था कहीं पे, जहाँ कहीं भी महेंद्र की पौष्टिक होती थी वहाँ ईश्वरन क्या करता था, कहीं ना कहीं अगल बगल वो क्या करता था, खेती कर लेता था जहाँ पे वो वेजिटेबल और कुकिंग इंग्रेडिएंट मतलब पकाने के लिए जो सामान चाहिए होता है उसकी वो प्रोड्यूसिंग, उसकी वो फसल कर लेता था, फसल बना लेता था, या मान सकते हो कि बाजार से वो ले लेता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवर, सीमिंगली मतलब बिना कुछ कहीं से वो प्रोड्यूस करने लगता था वेजिटेबल और कुकिंग इंग्रेडिएंट यानी खाने पकाने के लिए सामग्री चाहिए होती उसकी और सब्जियों को वो कहीं ना कहीं से वो उगा देता था। इन द मिडिल ऑफ द डेसोलेट लैंडस्केप, डेसोलेट मतलब खराब या बंजर, लैंडस्केप मतलब यहाँ बात हो रही है जो जमीन होता है, तो मान लो इन द मिडिल ऑफ द डेसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, माइल्स अराउंड मतलब मीलों तक जहाँ कोई भी दुकान नहीं है वहाँ, खासकर डेसोलेट लैंडस्केप यानी कि बंजर जमीन पर जो यहाँ तक मीलों तक कोई दुकान नहीं है वहाँ पर वो क्या कर लेता था, वो सब्जियाँ उगा लेता था, वो कुकिंग इंग्रेडिएंट बना लेता था। ठीक है, लिखा है सीमिंगली आउट ऑफ नोवर, बोलते ना ऐसे कई बार हम सुनते हैं पता नहीं कहाँ से वो ऐसा कर लेता है, तो वही लिखा है नोवेयर मतलब होता है पता नहीं कहाँ से वो ऐसा कर लेता था, जबकि कभी कभी मान लो जो महेंद्र है उसको कहीं पे ऐसे जगह जाना होता था जहाँ खेती नहीं हो सकती, वहाँ भी वो मीलों दूर तक जहाँ कोई दुकान ना हो वहाँ भी वो खेती कर या कैसे भी करके वो खाना पका लेता था। कौन, ईश्वरन की बात हो रही है। फिर लिखा है ही वुड मिरेकुलसली, देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ, मिरेकुलसली बोलते हैं मिरेकल फिर ओसली दोनों को जोड़ो मिरेकुलसली, ही वुड मिरेकुलसली कंजर अप, कंजर मतलब होता है जादू करना और मिरेकल से मतलब होता है रहस्यमय तरीके से, तो ही वुड मिरेकुलसली ठीक है, अगर इसका मैं धीरे बोलूँ तो आप मेरे साथ पढ़िएगा मिरेकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, वो पता नहीं मतलब वो भाई वो जब वेजिटेबल उगा देता था तो उसके आगे लिख रहा है कि वह बड़े ही रहस्यमय तरीके से वो पता नहीं कैसे कोई जादू कर मोस्ट डिलीशियस डिश यानी सबसे स्वादिष्ट खाना वो बना देता था। देखो जब खाना बन जाता है उसको डिश कहते हैं, ठीक फूड भी कह सकते हैं लेकिन डिश ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता है, तो वो डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट खाना बना देता था विथ फ्रेश वेजिटेबल,
ताजे सब्जियों के साथ। देखो अब मान लो कभी कभी महेंद्र को कहीं ऐसी जगह जाना पड़ रहा है, कोल माइन पे जाना पड़ रहा है जहाँ दूर दूर तक कोई दुकान ही नहीं है। जब दुकान नहीं है तो ताज़ा सब्जी कहाँ से मिलेगी। फिर भी ईश्वरन पता नहीं कहाँ से भाई खेती उती करके वो रसमय तरीके से जादू, पता नहीं कौन सा जादू करके वो बहुत स्वादिष्ट खाना पकाता था विथ फ्रेश वेजिटेबल, ताजे सब्जियों के साथ, विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। एक घंटे में, मतलब एक घंटे में वो पता नहीं कहाँ से जो जिंक शीट शेल्टर, मतलब होता है कि बोल सकते हैं आपकी जिंक शीट, मतलब कैसे समझूँ आपको, जिंक शीट मान लो टेंट होता है ना, टीने का टेंट, तो या चादर का, मोटे चादर का टेंट, तो उस टेंट में नया प्लेस है जहाँ पर महेंद्र जा रहा है। मान लो कि महेंद्र कहीं गया और एक घंटे के अंदर जो होता था ईश्वरन बहुत ही स्वादिष्ट ताज़ा खाना बना देता था पता नहीं कहाँ से। ठीक, ये महेंद्र को आश्चर्य होता था कि भाई ये बनाता कैसे खाना, ये अभी हम पहुँचे ही हैं और एक घंटे में ये बहुत ही स्वादिष्ट और ताज़ा सब्जियों के साथ खाना कैसे बना लेता है। ठीक, क्लियर हुआ। लास्ट के दो लाइन फिर से दोहरा दे रहा हूँ। लिखा, ही वुड मिरेकल्सली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, वो रहस्यमय तरीके से सबसे स्वादिष्ट खाना पकाता बना लेता था, मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल, वो बना लेता था ताजे सब्जियों के साथ, विद एन आर ऑफ अराइविंग, एक घंटा पहुँचने में, मतलब एक घंटा जब हम पहुँचे हैं एक घंटा के अंदर वो खाना बना देता था, एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, नए कार्यस्थल पर यानी नए जगह पर जहाँ पे उसको महेंद्र को ऑर्डर मिलता था जाने के लिए, वहाँ पर पहुँचते ही एक घंटे के अंदर वो खाना मतलब बना देता था। अब इसका हिंदी अनुवाद लिखा है, ईश्वरन ने न जाने कहाँ से उजाड़ भूमि यानी बंजर भूमि में मीलों तक दुकान के दृश्य न होने पर भी सब्जियाँ व खाद संगठों को उगाने की आश्चर्यजनक क्षमता थी। वह जस्ते की चादर के आश्रम में, जस्ते की चादर कहने मतलब वही है जो आप समझ रहे हो, यानी कि टेंट की बात कर रहा है, क्या आश्रम में कार्यस्थल पर रहस्यमय ढंग से जादू से आने के एक घंटे में ताजी सब्जियों से सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिया करता था। यानी सिंपल, आपको ये बहुत ज़्यादा घुमा रहा है, आपको सिंपल समझा दे रहा हूँ। इसमें कहता है कि भाई जो ईश्वरन है वो एक घंटे के अंदर खाना पकाया जाता था एकदम स्वादिष्ट ताजे सब्जियों के साथ, जब कहीं भी हम कोई नए जगह पे जाते थे एक घंटे के अंदर। ठीक, इसके आगे की स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे, फिर से बता दे रहा हूँ, प्लीज़ बुक से पढ़ें, ज़्यादा आसानी होगा आपको, बुक से इसको समझें। आपका कोई पब्लिकेशन की बुक हो अगर ये चैप्टर है तो आप उसको इस वीडियो के हिसाब से समझ सकते हो और जान सकते हो। आपको कोई और वीडियो चाहिए क्लास 9th का तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।